हेलो एवरीवन, प्राणवायु श्रुतस की अगली व्याधि है राजयक्ष्मा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका वर्णन करीब करीब सभी आचार्यों ने बहुत अच्छे से किया है। आचार्य चरक ने निदान स्थान अध्याय 6 और चिकित्सा स्थान अध्याय 8 में इसका वर्णन किया है और आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 41वें यानी 41 चैप्टर में इसका वर्णन किया है। निरुक्ति देखते हैं इसका। यस्मात् स राज्ञः प्राग् आसीत् राजयक्ष्मा ततो मतः। आचार्य चरक का ही श्लोक है ये, चिकित्सा स्थान का। इसके अकॉर्डिंग क्या है ये कि राजयक्ष्मा राजा, यहाँ राजा चंद्रमा की बात हो रही है, नक्षत्र के राजा हैं जो, उनको होने के कारण इसको राजयक्ष्मा कहा है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार जो नक्षत्रों के राजा थे, राजा चंद्रमा, उनको यह रोग हुआ था। फिर इसको क्षय भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम है, पर्याय है क्षय, क्रियाक्षयकरण के कारण। ठीक है, क्रियाक्षय, इसमें शरीर की क्रियाओं का क्षय होता है, इसलिए भी इसको क्षय बोला गया है। शोष भी बोला गया है इसको, रस आदि धातुओं का क्षय करने के कारण इसको शोष बोला गया है। जब धातुओं का क्षय होता है, रस आदि धातुओं का, तो शरीर में शोष उत्पन्न होता है। ठीक है, शोष मतलब आप समझ सकते हैं धातुओं का शोष हो रहा है। फिर रोगराट बोला है इसको, अष्टांग हृदय में आया है रोगराट वर्ड, राजा को होने के कारण ही इसको रोगराट बोला गया है। फिर निदान देखते हैं। अयथा बलम आरंभम वेग संधारणम क्षयम यक्ष्मणः कारणम विद्यात् चतुर्थम विषमाशनम। 13वां श्लोक है ये, चिकित्सा स्थान का, चरक का। तो ये क्या बोलते हैं, चार हैं इसके अकॉर्डिंग निदान, चरक के अकॉर्डिंग क्या है। साहस, साहस मतलब अपनी शक्ति से अधिक बल का काम करना। फिर वेग धारण, यहाँ पे धारणीय वेगों के धारण की बात कर रहे हैं। फिर क्षय, किसी कारण से क्षय होना। फिर विषमाशन, ठीक है, विषमाशन से क्या है यहाँ पे, विषम से यहाँ पे काल और मात्रा की विषमता अगर है आपके आहार में तो उसको बोला गया है। फिर औपसर्गिक रोग भी कारण बताए गए हैं राजयक्ष्मा के, किसके अकॉर्डिंग है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे औपसर्गिक रोगों का एक श्लोक है जिसमें कि शोष वर्ड आया है ना, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निदान में आता है ये। सामान्य संप्राप्ति की बात करें तो स्रोतसम सन्निरोधात च रक्तादीनाम च संशयात धातु ऊष्मणाम च अपचयात राजयक्ष्मा प्रवर्तते। तो इसके अकॉर्डिंग तीन चीज़ें हैं मेन जो कि संप्राप्ति में हो रही हैं, पैथोजेनेसिस में तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला है स्रोतस में अवरोध, किसी कारण से स्रोतस में अवरोध हो रहा है, रक्त आदि धातु का क्षय हो रहा है, धातु ऊष्मा का अपचय मतलब क्या है, धातु पाक उचित तरीके से नहीं हो रहा, अनुचित हो रहा है ना। उपचय अपचय अगर आप समझते हैं तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं इसमें हम। तो ये तीनों चीज़ें जब होती हैं तो मिलके राजयक्ष्मा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ अगर हम देखें इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, तो निदान सेवन करने से अग्नि की मंदता होती है, अग्नि मंद होने से और धातु ऊष्मा के अपचय होने से क्षय रोग उत्पन्न हो रहा है। इसमें अगर उपसर्ग भी आके हो जाता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, अगर हम सोचें दोनों को मिला के, तो फिर राजयक्ष्मा रोग उत्पन्न हो जाता है। भेद अगर हम देखें राजयक्ष्मा के, तो तीन तरीके से देख सकते हैं। एक विध भेद मानते हैं अगर हम रोग समूह मान के चले राजयक्ष्मा को। कारण के अकॉर्डिंग इसके चार भेद हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो निदान में आ रहे थे, कारण में ही आ रहे थे, साहस जन्य, वेग धारण जन्य, क्षय जन्य और विषम आसन जन्य। फिर लक्षणों के आधार पे त्रिरूप, षडरूप और एकादश रूप, ऐसे हम तीन तरीके से राजयक्ष्मा के भेद कर सकते हैं। तो पहले वेग अवरोध जन्य राजयक्ष्मा की संप्राप्ति अगर हम देखें, तो वेग अवरोध जब होता है तो उससे क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, आपको बताइए। वात प्रकोप होने के बाद अग्नि दुष्टि भी होती है और त्रिदोष प्रकोप हो रहा है। राजयक्ष्मा में तीनों ही दोष का प्रकोप होता है, तीनों दोष प्रकोपित होकर स्रोतसों का अवरोध कर रहे हैं और फिर धातुओं का पूर्ण रूप से उनको पोषण नहीं मिल रहा है, तो धातु क्षय हो रहा है और राजयक्ष्मा उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही अगर क्षय जन्य राजयक्ष्मा की संप्राप्ति की बात करें, तो यह क्षय दो तरीके से हो सकता है, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय में क्या होता है, ईर्ष्या या शोक, क्रोध, भय, रूक्ष आहार, इन सभी के सेवन से रस धातु का क्षय होगा और रस धातु के क्षय होने से उत्तरोत्तर मतलब रस के बाद रक्त, मांस, मेद, इस तरीके से धातुओं का पोषण नहीं हो पाएगा, उनका भी क्षय होगा और दुर्बलता आएगी और राजयक्ष्मा उत्पन्न होगा।
प्रतिलोम क्षय में क्या है, अति मैथुन जन्य जो क्षय है उसको प्रतिलोम क्षय में लिया गया है, तो अति मैथुन से क्या होगा, शुक्र का क्षय होगा, बाद का प्रकोप होगा और पूर्ववर्ती धातुओं का क्षय होगा। पूर्ववर्ती मतलब नीचे से ऊपर, पहले शुक्र है तो फिर मज्जा, फिर अस्थि, इस तरीके से, फिर इस तरीके से राजयक्षमा उत्पन्न हो जाएगा। साहस जन्य यक्षमा की संप्राप्ति देखें तो अति साहस मतलब अपने बल से भी ज़्यादा अगर आप बल का कार्य कर रहे हैं तो उरक्षत हो सकता है, फिर वात का प्रकोप होगा इसकी वजह से, फिर कफ पित्त को ये प्रकोपित वात कफ और पित्त को उभारते हुए श्रुति समय अवरोध उत्पन्न करेगी, फिर से वही होगा पोषण प्राप्त नहीं होगा धातुओं का तो फिर शोष होगा और फिर राजयक्षमा उत्पन्न होगा। विषम आसन जन्य राजयक्षमा में विषम आसन करने की वजह से विषमता किसने मैंने आपको बताई, काल में और मात्रा में, अगर आप उचित काल पर भोजन नहीं करते हैं या उचित मात्रा में भोजन नहीं करते हैं तो दोनों से ही विषम आसन जन्य व्याधियाँ होती हैं। तो इस तरीके से विषम आसन होने से त्रिदोष का प्रकोप होगा, स्रोतस में अवरोध होगा, पोषण का अभाव होगा, धातु का क्षय होगा और राजयक्षमा उत्पन्न होगा। संप्राप्ति घटक अगर हम देखें तो दोष कौन से हैं, त्रिदोष हैं, तीनों ही दोष उसमें हैं इन्वॉल्व और ये भी वात कफ प्रधान होगा। दूष्य में रस आदि धातुएं सभी इन्वॉल्व हो गई हैं, स्रोतस में ये रस वह और रक्त वह स्रोतसों को बेसिकली इन्वॉल्व कर रहा है। अधिष्ठान इसका सर्व शरीर है और फुफ्फुस भी हो सकता है। स्रोतोदुष्टि संग है, संगात्मक है। स्वभाव इसका चिरकारी है, अग्निदुष्टि मंद है और साध्य असाध्यता को हम इसमें कृच्छ साध्यता में लेंगे। पूर्व रूप की बात करें तो आचार्य चरक का ही श्लोक देख लेते हैं, इसमें ये बोलते हैं पूर्व रूपम प्रतिशायो दौर्बल्यम दोष दर्शनम अदोषेषु अपि भावेषु काये विभत्स दर्शनम। तो उन्होंने पहले सबसे पहले प्रतिशाय होना बताया है ना, प्रतिशाय रनिंग नोज टाइप होगा, दौर्बल्य दुर्बलता होगी, दोष दर्शनम अदोषेषु अपि भावेषु अर्थात जिन भावों में दोष नहीं भी है वहाँ भी दोषों को देखना, तो ये एक मानसिक भाव है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको शारीरिक पूर्व रूप और मानसिक पूर्व रूप दो तरीके से डिवाइड किया है। तो ये आपका पहला मानसिक पूर्व रूप लिया गया है मैंने, दोष दर्शनम और दोषेषु अपि भावेषु। फिर काय विभत्स दर्शनम, तो शरीर जो है उसका थोड़ा सा डरावना टाइप का दिखेगा दुर्बलता के कारण। फिर घृणित्वम अश्नतश्च अपि बल मास परीक्षयः स्त्री मध्य मास प्रियता प्रियता च अवगुंठने, ठीक है। तो उसको क्या खाने में घृणा रहेगी, ये भी मानसिक पूर्व रूप है। और बल मास परीक्षय, बल और मास का क्षय होगा, दुर्बलता होगी। स्त्री मध्य मास प्रियता, स्त्री में मध्य में और मास मास वाले आहार में उसको रुचि होगी, ठीक है। मक्षिका गुण केशानाम तृणाम पतनानी च प्राय अन्नपान, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अन्नपान में प्रायः ज़्यादातर उसको क्या मक्षिका मक्खी गुण या केश तृण इन सबको गिरना गिरता हुआ देखेगा वो, खाने में उसको ये सब दिखाई देगा, ठीक है। फिर और केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम, केश और नख का बढ़ना ये भी एक पूर्व रूप है। पत्री भी पतंगेश स्वपदेश अभिघर्षणम स्वप्ने केश अस्थि राशिनाम भस्मनश्च अधिरोहणम, ठीक है। तो ये भी सब स्वप्न से रिलेटेड हैं ये पूर्व रूप। तो ये कह रहे हैं कि पतंग पे श से मतलब कुत्ते से है ना, इससे द्वारा घसीटा हुआ अपने को देखा जाना और स्वप्न में और क्या केश या अस्थि के राशि में या भस्म में इसमें चढ़ता हुआ खुद को देखना, ठीक है। जलाशयानाम शैलानाम वनानाम ज्योतिषाम अपनी शुष्यताम शीयमाणानाम पतताम यत्र दर्शनम। तो ये कैसे सीक्वेंस में है कि जलाशय को सूखता हुआ देखेगा, ठीक है, शैलों को और वनों को शीयशय होते हुए देखेगा, शैल मतलब पर्वत, वन मतलब वनी है, और ज्योतिषाम पतताम यच्च दर्शनम, ठीक है। और ज्योतिषाम से यहाँ पे तारे से ले सकते हैं, इनको गिरता हुआ देखेगा, है ना। तो ये सभी जो हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पूर्व रूप हैं। तो इसको आप शारीरिक और मानसिक में अगर डिवाइड करें तो शारीरिक में प्रतिशय दौर्बल्य वमन कास श्वास शोक पांडु अग्नि साध ये सभी हम ले सकते हैं, औरों के भी इसमें मिले लिख दिए हैं मैंने इसमें आचार्यों के। मानसिक पूर्व रूप में दोष दर्शन है, घृणा है, स्त्री मध्य मास्प्रियता है, मक्षिका केश का आना अन्नपान में गिरना है, जलाशय पर्वत और वन को शुष्कता दिखता है, सपने में पक्षियों की सवारी करते हुए दिखता है, स्वच्छ रहने पर भी उसको गंदा प्रतीत होता है, तारे सूर्य चंद्रमा आदि को गिरते हुए देखता है ना। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके लिख सकते हैं पूर्व रूप।
इसके बाद लक्षण देखें तो त्रिरूप राजयक्ष्मा में क्या है, अंश पार्श्व अभितापस्य संतापः कृपादयो ज्वरः सर्वांगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मा। तो अगर आप श्लोक याद नहीं कर सकें तो भी पॉइंट्स में आपको लेकिन करने सारे याद हैं। फर्स्ट है अंश पार्श्व में पीड़ा, तो अंश क्या है, स्कैपुलर रीजन है, पार्श्व आपका लेटरल रीजन है आपके थोरैक्स के, इनमें पीड़ा होती है, पेन रहेगा, कर पाद में संताप होगा, कर मतलब आपके पाम, पाद मतलब सोल, इनमें संताप ऊष्मा रहेगी, ठीक है, और ज्वर, ये तीनों आचार्य चरक के अकॉर्डिंग त्रिरूप है। आचार्य भोज ने थोड़ा सा डिफरेंट बताया है, उन्होंने ज्वर, कास और रक्त वमन, ये तीन जो कि अगर हम मॉडर्न साइंस से रिलेट करें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से, तो ये तीनों मिलते ही हैं उसमें भी। फिर षडरूप राजयक्ष्मा की बात करें तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है, कासो ज्वर पार्श्व शूलम स्वर वर्चो गदो अरुचि, तो कास खांसी होगी, ज्वर रहेगा, पार्श्व शूल, स्वर वर्च में गद मतलब स्वर में गद, स्वर की डिफॉर्मिटी, और वर्चो मतलब स्टूल की डिफॉर्मिटी, और अरुचि, ये छह चीज़ें बताई हैं। ऐसे सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, भक्त देशो ज्वर श्वास काश शोणित दर्शनम स्वर भेदश्च जायते षड रूपे राजयक्ष्मणी। दोनों को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंट है, नीचे देखिए टेबल में, आचार्य चरक सुश्रुत दोनों ने ही काश बताया है, ज्वर बताया है, जो पार्श्व शूल आचार्य चरक ने बताया है उसकी जगह श्वास आचार्य सुश्रुत ने बता दिया है, स्वर भेद दोनों ने बताया है आचार्य चरक ने, जो वर्चो गद था इसको हम अतिसार से मान रहे हैं, तो आचार्य चरक ने अतिसार बताया है, तो आचार्य सुश्रुत ने उसकी जगह शोणित दर्शन बता दिया, और अरुचि जो आचार्य चरक ने बताया उसकी जगह आचार्य सुश्रुत ने भक्त द्वेष बता दिया है। तो ये जो जो दो चीज़ें अलग बताई हैं आचार्य सुश्रुत चरक ने, वो मैंने अलग कलर से आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। आगे लक्षणों की बात करते हैं, एकादश रूप, तो आचार्य चरक ने बोला है, कासो अंश तापो वैश्वर्यम ज्वर पार्श्व शिरो रुजा छर्दनम रक्त कफयो श्वास वर्चो गदो अरुचि। तो कुछ इसमें पहले षडरूप वाले में भी आ चुके हैं। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, स्वर भेदो अनिलात शूलम संकोचश्च, यहाँ माफ कीजिएगा स ल की जगह को क आना चाहिए, संकोचश्च अंश पार्श्वयो ज्वरो दाहो अतिसारश्च पित्तात रक्तस्य च आगमः शिरसः परिपूर्णत्वं भक्तछंद एव च कासः कंठस्य च उद्वंसो विज्ञेयः कप कोपतः। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि आचार्य सुश्रुत ने एकादश रूप लर्न करने के लिए इजी हैं, क्योंकि इन्होंने दोषों के अकॉर्डिंग बताया है ना, तो स्टार्टिंग से वात के बारे में है, स्वर भेद अनिलात शूलम है ना, स्वर भेद शूल संकोच अंश पार्श्वय, ये वात के कारण है, ज्वर दाह अतिसारश्च पित्तात रक्तस्य च आगमः, ठीक है, ये पित्त के कारण है, और शिरसः परिपूर्णत्वं भक्तछंद कास कंठ उद्वंस ये कफ के कारण है, ठीक है। इसका भी मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया आप लोग के लिए इजी हो इसलिए। तो आचार्य चरक ने जो बताए हैं और आचार्य सुश्रुत के जो कॉमन है सारे वो ब्लैक में ही हैं, और जो अलग हैं वो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं। तो स्वर भेद दोनों ने बताया है, पार्श्वशूल आचार्य चरक ने बोला है, सुश्रुत ने उनकी जगह अंश पार्श्वशूल बोल दिया, इन्होंने अंशताप बोला है, उन्होंने अंश पार्श्व संकोच बोला है, ज्वर दोनों ने बोला है, दाह आचार्य सुश्रुत ने बोला है और आचार्य चरक ने नहीं बोला है, उन्होंने श्वास बोला है, अतिसार दोनों ने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने रक्त पित्त वर्ड यूज़ किया है जबकि आचार्य चरक ने रक्त छर्दन ये वर्ड यूज़ किया है, शिरसः शूल बोला आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने शिरसः परिपूर्णत्वम, ठीक है, सिर भरा हुआ इस तरह की फीलिंग है, इस तरह का लिखा है उन्होंने, अरुचि बोला आचार्य चरक ने, भक्त द्वेष आचार्य सुश्रुत ने बोला, कास दोनों ने बोला है, श्लेष्म छर्दी आचार्य चरक ने वर्ड यूज़ किया है जबकि ऐसा आचार्य सुश्रुत ने नहीं बोला, उन्होंने कंठ उद्वंस बोला है ना, इरिटेशन थ्रोट इरिटेशन ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ जो अलग हैं वो मैंने यहाँ पे चार्ट में लिखा है। सापेक्ष निदान की अगर बात करें तो हम राजयक्ष्मा का शोष से, शतशीर्ण से, शयज कास से, शतज कास से, उरक्षत से और रक्तपित, इन सभी से इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फिर सापेक्ष निदान कर सकते हैं। साध्य साध्यता में अगर बल मास पुष्ट है, दीप्त अग्नि है, ज्वर रहित है और बलवान है रोगी, तो राजयक्ष्मा रोग साध्य होता है। अगर बल मास क्षीण है, अतिसार है, शुक्लक्षता है, अरुचि है, उद्वंस है ना, मूत्रकृच्छ है, बहुमूत्रता है, ये सब लक्षणों के साथ है तो असाध्य बताया गया है। चिकित्सा सिद्धांत के लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है,
आपको शायद पूरा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है बल की बात हम करते हैं राजयक्ष्मा के पेशेंट में ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, बल की बात हम करते हैं राजयक्ष्मा के पेशेंट में कि क्षय होता है बल का, तो वो बल की अगर हम बात करें तो वो बल या तो गुड होगा, मॉडरेट या पुअर, इस तरीके से अगर हम याद करें तो बल GMP है ना। इसके आगे मैं लिखना चाह रही हूँ, जो मैंने लिखा है ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख के बता दूँ आपको, मैंने लिखा है D है ना। जो भी हो, इन एनी केस दीपन करना प्राइम हमारा यहाँ पे चिकित्सा सिद्धांत है। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद करें या ये निमोनिक याद करें तो हम कैसे करेंगे, पहला पॉइंट निदान परिवर्जन हमेशा होता ही है, फिर दोष के बलाबल के अनुसार चिकित्सा करनी है, साध्य साध्यता में मैंने आपको जैसे बताया क्या करना है, दोष के बलाबल के अनुसार या तो बृंघण और मांसरस का प्रयोग करेंगे, मांसरस भी अजा का स्पेसिफिकली बताया है यहाँ पे, या फिर संशोधन करेंगे ना। अगर क्षीण है, बल नहीं है ज़्यादा है ना, अग्नि भी दीप नहीं है ज़्यादा, तो हम बृंघण और मांसरस का प्रयोग करेंगे, और अगर बल ज़्यादा है तो संशोधन, मृदुवमन और स्नेहयुक्त विरेचन, ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे सिद्धांत में। फिर नेक्स्ट बोले पुरीष का संरक्षण करना, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो कि राजयक्ष्मा के कॉन्टेक्स्ट में ही आया है ना, पुरीष में ही बल है ऐसा बोल श्लोक है इसमें आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भोजन के पश्चात घृत पान करने के लिए बताया है, दीपन पाचन करने के लिए बोला है, मध्य का प्रयोग बताया है ना, और अजा का यूज़ किया गया है, मूत्र, पुरीष, दुग्ध, घृत, रक्त है ना, इन सभी का प्रयोग करना है किसमें, स्नान में, उपटन में, भक्षण में है ना, अजा के साथ निवास करने के लिए भी, ऐसा आचार्य शुश्रूष बोलते हैं। तो यहाँ पे अजा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अजा से या बकरी से रिलेटेड हैं यहाँ पे। फिर लास्ट है लाक्षणिक चिकित्सा करने के लिए बोला है, ये सब सिद्धांत के बाद जो भी लक्षण है उसके अनुसार चिकित्सा करेंगे है ना, जैसे अगर शूल है तो विभिन्न प्रकार के स्वेद दे सकते हैं, परिषेक कर सकते हैं, उपनाह, आलेप आदि ये सब यूज़ कर सकते हैं, और अगर दाह है तो शीतल तेल, अभ्यन, परिषेक, अतिसार है तो उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा है ना, और अगर इसे कंठ उद्वंस है तो उसके अकॉर्डिंगली, तो उस तरीके से लाक्षणिक चिकित्सा करनी है यहाँ पे। तो ये निमोनिक में कैसे सेट होगा, अगर आप BAL करके देखें तो B से बलाबल के अकॉर्डिंग है, A से क्या है, A से अजा का जो यूज़ करने के लिए बोला है उन्होंने, मूत्र, पुरुष, दुग्ध, घृत, रक्त आदि। L से क्या है, L से लाक्षणिक चिकित्सा है। G से अगर हम देखें तो G से घृतपान है। M से मध्य का प्रयोग है। P से यहाँ पे पुरीष का संरक्षण है। और D जो दीपन है वो दीपन पाचन के लिए है ना। तो अगर आप लोग को इजी लगे तो आप इसे याद कर सकते हो। राजयक्ष्मा में बल की बात बहुत इंपॉर्टेंस है, बल का क्षय बहुत सभी में ही होता ही है इसमें। तो बल को अगर हम क्लासिफाई करें तो गुड, मॉडरेट और पुअर, अगर ऐसा करके हम याद करना चाहें तो कर सकते हैं। और इन एनी केस सभी में दीपन करना ज़रूरी है, चाहे बल गुड हो, मॉडरेट हो या पुअर हो, ठीक है, दीपन पाचन करना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर संशमन या औषध योग हैं, उसमें क्या क्या है, रस में आप जय मंगल रस, महालक्ष्मी विलास रस, बसंत मालती रस, राजमृगांक रस, हेमगर्भ पोटली रस, स्वास्थ्य कुठार रस, क्षय केशरी रस, ये सब दे सकते हैं। वटी में शिला जितवादी वटी, शिवा गुटिका, एलादी वटी, संशमनी वटी, ये सब दे सकते हैं। चूर्ण में तालिस आदि चूर्ण, सितोपल आदि चूर्ण, बल आदि चूर्ण, अश्वगंधा आदि चूर्ण, ये सब लक्षणों के आधार पर दे सकते हो आप। क्वाथ आसव अरिष्ट में दशमूला अरिष्ट, द्राक्षारिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट, द्राक्षासव, ये सब आप प्रयोग कर सकते हैं। घृत में जीवंत आदि घृत ना, खरजूर आदि घृत, पंचमूलादि घृत, तैल में चंदन आदि तैल, लाक्षादि तैल, ये भी लक्षणों के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है सब। अवलेह में वासा अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह, सर्पी गुड़, कुष्मांड अवलेह, ये सब योगों का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि अपनी युक्ति के अनुसार वैद्य को और लक्षणों के अनुसार यूज़ करना चाहिए। तो इस टॉपिक में इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।